नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एसएससी ने जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फैसला आया कि स्टे हट जाएगा, उसके बाद धड़ाधड़ एसएससी ने दो तीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उसमें से एक नोटिफिकेशन है टेंटेटिव वैकेंसी 2017 के लिए कुल वैकेंसी कितनी है, ये नए सिरे से एक नोटिफिकेशन आया है। और 9-5 जैसा आपके सामने है स्क्रीन पे, 9-5 को ये नोटिफिकेशन है। अब 2017 है उसके लिए कितनी वैकेंसी है, अप्रोक्सीमेटली 9-9.5 हजार के आसपास वैकेंसी है। आप इसमें दो तीन चीजें नोट करने की जरूर कोशिश करें। ए कि 21 वैकेंसी के लिए सीपीटी और डीईएसटी टेस्ट होगा, मतलब कि डाटा एंट्री वाला टेस्ट कौन सा होगा और सीपीटी वाले टेस्ट कौन सा होगा। डाटा एंट्री का मतलब टाइपिंग वाला, एमएस वर्ड में टाइपिंग होती है वो, और सीपीटी में क्या होता है, टाइपिंग के अलावा पावर पॉइंट और एक्सेल होता है। तो ये चीजें आप जरूर नोट कर ले। लगभग 50 से 60% पोस्ट ऐसी है जहां पे कि सीपीटी चाहिए होता है। सीपीटी का मतलब कि सारी चीजें चाहिए होती है, सीपीटी और डीएसटी चाहिए होती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर और आप नोट क्या कर सकते हैं इसमें, जो खास बात है वो ये है कि जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए कौन कौन सी जो पोस्ट है वो उस पे सूटेबल है या नहीं है, ये राइट साइड में आपको ये नजर आएगा। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, और ये सीपीटी और डीईएसटी वाला कॉलम है। आपकी जो सैलरी वाला जो कॉलम है वो ये है, उस पे तो आपको पहले पता ही होगा, लेकिन ये दो चीजें काफी ज्यादा नोट करने वाली है। और तीसरी क्या है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। हालांकि ये अलग अलग कैटेगरी की भी दी हुई है कि जनरल की कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी कितनी है, एक्स सर्विसमैन की कितनी है और हैंडीकैप्ड की कितनी है। लेकिन यहाँ पे जो मेन है, आप पहले ये देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी है कितनी। जैसा कि कैग है, कैग में 600 वैकेंसी है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसमें सीपीटी या डीएसटी भी नहीं होता और ये सूटेबल है कलर ब्लाइंड के लिए भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। उसके बाद जो बाकी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, सीएसएस में बच्चे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें भी काफी वैकेंसी, क्योंकि ऊपर वाली में कोई वैकेंसी नहीं है, नीचे वाली में 371 वैकेंसी है। तो काफी वैकेंसी है, लड़कियों के लिए पोस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें सीपीटी जरूर चाहिए होता है, मतलब आपको हर हालत में सीपीटी क्वालिफाई करना, अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो इस जॉब से आपके कितने ही नंबर हो आप बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और सूटेबल भी है किसके लिए, कलर ब्लाइंड के लिए। इसके बाद क्या है कि आईबी में नहीं चाहिए सीपीटी, अब चाहिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट होती है, लड़कियों के लिए भी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये, इसमें सीपीटी चाहिएगा और वो वैकेंसी भी काफी है, 120 के आसपास इसमें वैकेंसी है। इसके अलावा AFHQ इसके इसमें भी वैकेंसी काफी है, 146 है, इसमें भी सीपीटी चाहिए और ये भी एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए सीपीटी आगे भी चाहिए, सीपीटी किस में चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, वहां पे भी सीपीटी चाहिए। जो इनकम टैक्स बनने के लिए सीबीडीटी में, वहां पे सीपीटी नहीं चाहिए, वहां जो वैकेंसी है इनकम टैक्स के लिए वो है 261। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है या प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है या फिर के एग्जामिनर बनना है, ये पोस्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है एक्साइज में, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। देखिए कि 9-9.5 हजार वैकेंसी है, उसमें से 1300 से ज्यादा वैकेंसी है वो एक्साइज इंस्पेक्टर की है और वहां पे सीपीटी चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए, तो ये थोड़ा गौर करें, नोट करें। और ये जो सूटेबल नहीं है किसके लिए, कलर ब्लाइंड के लिए ये पोस्ट सूटेबल नहीं है। इसके अलावा ये देखिए बाकी जो वैकेंसी है, जैसे कि कैग में वहां पे नहीं चाहिए और बहुत सारी वैकेंसी है जहां पे कि नहीं चाहिए सीपीटी या डीईएसटी, लेकिन जहां पे वैकेंसी ज्यादा है, देखिए यहाँ पे सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट है और सीबीईसी में टैक्स असिस्टेंट, इन दोनों के लिए डीईएसटी चाहिए, मतलब टाइपिंग स्पीड चाहिए। और यहाँ पे भी वैकेंसी है, लगभग 2700 के आसपास वैकेंसी है, मतलब 27% तो यही हो जाता है, 27 से लेकर 30% वैकेंसी है वो असिस्टेंट की होती है। जो अच्छे वाली वैकेंसी है वो आपको मैंने ऊपर वाली बताई, हालांकि वैकेंसी तो सारी अच्छी है, लेकिन जो हायर रैंक वाली है वो वैकेंसी ऊपर है, जिसकी जो सैलरी भी ज्यादा होती है, आपने देखा होगा यहाँ 2400 का पे ग्रेड है और वहां पे ज्यादा का पे ग्रेड है, तो इनके लिए डीईएसटी चाहिए। तो तीन और ये वैकेंसी है, ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, कलर ब्लाइंड के लिए। तो आप 4-5 चीजें नोट की होगी आपने फिर इसमें। और टोटल जो वैकेंसी अभी बन रही है
8,134 वैकेंसी है टोटल। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसी और है, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वहां असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहाँ पे भी असिस्टेंट की वैकेंसी है, कुछ एक वैकेंसी है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके लिए अलग है, जो असिस्टेंट वाली वैकेंसी है ये 92 के आसपास, मतलब 100-200 के आसपास ये वैकेंसी है। और इसके अलावा थोड़े नीचे भी अगर हम जाएंगे तो ये वाली वैकेंसी भी है। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये वैकेंसी भी काफी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जिसमें अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट है वहां है, उसके लिए सीपीटी या डीएसटी नहीं चाहिए होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वहां पे भी 451 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट होगी, उसके अलावा जो ऊपर है और फिर नीचे आप थोड़ा देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो ऊपर वाली वैकेंसी नीचे वाली वैकेंसी तो 9,500 के आसपास वैकेंसी बन रही है। आप पूरा कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी देखिए कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसी है, क्या उसके लिए सीपीटी डीएसटी चाहिए, आप उसके लिए कितने कंफर्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा स्पीड मांगी जाती है और एक्यूरेसी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप इस पे जरूर ध्यान रखने की कोशिश करनी है अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा टायर 3 का, उसके बाद और ज्यादा सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। इस प्रेजेंटेशन में जो कि हमने डिस्कस किया कि इस बार वैकेंसी लगभग कितनी का है और ये टेंटेटिव कम ज्यादा इसमें हो सकती है आखिरी मोमेंट पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।